अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिक्स क्लास आज हम 6.2 कर रहे हैं। इसके पहले 5 सवाल मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिए थे, आज हम उससे आगे 6 से 12 तक करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 मैंने पहले हल किया है। ये सवाल है कि 12 पर्सन हैव इनफ फूड फॉर 7 डेज, बट आफ्टर 1 डेज दे डिसाइडेड टू फिनिश द रिमेनिंग फूड इन 3 रिमेनिंग डेज। फॉर इट दे इन्वाइटेड मोर पर्सन, हाउ मैनी पर्सन वुड दे इन्वाइटेड, डिड दे इन्वाइट, कि वो कितने लोगों को और इन्वाइट करें। देखें, नंबर ऑफ डेज हैं हमारे पास 6 और पर्सन हैं, एक दिन बाद काम शुरू किया है, ठीक है। तो लिहाजा नंबर ऑफ डेज हैं 6, 6 डेज में की खुराक है 72 पर्सन के लिए। अब वो ये चाहता है कि 3 दिन में कितने लोग इस खुराक को ख़त्म कर लेंगे, अगर कितने लोग और बढ़ा दिए जाएं, कितने लोगों को और बुलाया जाए कि यही खुराक 3 दिन में पूरी हो जाए। बात समझ आई बच्चों? तो चूंकि 6 आदमी तो इसे 72 दिन में खाते हैं, तो 3 आदमी, ज़ाहरी बात है आदमी कम हो गए तो ज़्यादा लोगों को की ज़रूरत होगी जो इसे जल्दी ख़त्म करें, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन होगा? जी हाँ, इन्वर्स होगा। अब ये चूंकि इन्वर्स है लिहाजा मैंने ये 3 पहले लिखा है फिर 6, ये प्रोपोर्शन टू 72 एंड इज़ टू एक्स, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, समझ आ रही है बात, ठीक है। अब एक्सट्रीम में क्या है 3 × x और मीन में है 6 × 72। अब एक्स का कोफिशेंट है 3, 3 से हम बोथ साइड को डिवाइड करेंगे, 3 से इधर भी डिवाइड हो गया और इधर भी डिवाइड हो गया, 3 से 3 रिड्यूस होने के बाद यहाँ एक्स बाकी बचा, 3 × 2 = 6, 2 आया, 2 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 144 आ गया, ठीक है बच्चों। अब पहले से जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आ गया 144, अब ऑलरेडी प्रेजेंट जो हैं हमारे पास वो हैं 72, तो हम कितने और इनवाइट करें इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 72 पर्सन को हमें और इनवाइट करना पड़ेगा इस फूड को मुकर्रा वक्त पर ख़त्म करने के लिए, ठीक है जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ 7 बफेलोज गिव 76 मिल्क लीटर मिल्क, हाउ मच मिल्क कैन वी गेट फ्राम 12 बफेलोज, यानी 7 भैंसें 56 लीटर दूध देती हैं तो 12 भैंसें कितना देंगी। ये देखें जी, नंबर ऑफ 7 भैंसें 56 लीटर दूध देती हैं तो 12 भैंसें ज़ाहरी बात है ज़्यादा देंगी, कम भैंसें कम दूध देंगी, ज़्यादा भैंसें ज़्यादा दूध देंगी। बात समझ आ गई ना? तो प्रोपोर्शन कौन सा हुआ जी बताएं? हाँ जी बिल्कुल डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट जब होता है तो हम इसे 7:12 प्रोपोर्शन टू 56:x लिखा, ठीक है। अब उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, बात समझ आ गई, ये 7x इज इक्वल टू 12 × 56 आ गया। अब एक्स का कोफिशेंट 7 है तो 7 से इधर भी डिवाइड करते हैं और इधर भी, और फिर इसे रिड्यूस कर दिया, ठीक है जी। ये 7 को इस 7 से रिड्यूस कर दिया और ये 7 × 8 = 56, 8 को अब 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x इज इक्वल टू 96, ये इट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आज एक्सरसाइज आपकी बच्चों ख़त्म हो गई। अब पहले मैंने होमवर्क नहीं दिया था उस दिन, अब पहले 5 में से होमवर्क होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, और अगले 7 से 12 तक में से 11 और 12, यू टोटल 12 क्वेश्चन आप होमवर्क में करके और स्कूल में सबमिट कराएंगे। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।